हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमा आज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस मैंगो का हींग वाला अचार। ट्रेडिशनली इसको जिस तरह से डाला जाता है ना, बिना तेल के आज इस अचार को हमने बनाया है। खट्टे कैरी का हींग वाला अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होता है। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किया है, कोई तेल यूज़ नहीं किया है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट यूज़ हुए हैं और इसको हमने किस तरह से बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है हमारा ये अचार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, खाने में डिलीशियस है। एक बार आप बनाएंगे ना तो बार बार आपको इसको बनाने का मन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसी हिसाब से आप मैंगो चूज़ करेंगे। और मैंगो को बहुत अच्छे से वॉश करके, अच्छे से सुखा के, उसके ऊपर कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए, और छील के हमें यूज़ करना है। ये देखिए, मैंने आम का अचार डाला था ना इस तरह से काट के, तो उसकी गुठलियों पे ना ये थोड़ा थोड़ा सा मैंगो का पार्ट बच जाता है। तो आज मैंने अपने अचार को इसी बचे हुए पार्ट से बना के तैयार किया है। आप चाहो तो फ्रेश कैरी लेके उसको छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उससे भी बना सकते हो। बस मैंने अपने जो मैंगो के अचार की जो गुठलियों के ऊपर जो बच जाता है ना थोड़ा थोड़ा पल्प, उसी को लेके उसी की कतरनों से आज मैंने ये अचार बना के तैयार किया है। तो एक तरह से आप इन गुठलियों के ऊपर जो कतरन होती है उसका यूज़ भी इसमें देख रहे हैं। तो ये देखिए, सारा मैंने काट लिया है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून नमक। नमक से ही हमारा ये अचार बहुत अच्छा टिकता है। और नमक डाल के इसको मैरिनेट करके अच्छे से ढक के हम कम से कम 1 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। जैसे हमने आज इसमें सॉल्ट डाल के इसको मिला के रखा है ना, तो कल अगले दिन हम इसका अचार बनाएंगे। तो इसको अब ढक के हम एक साइड पे छर रख देंगे, बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट डे हो गया है और अचार हमारा गल गया है अच्छे से। प्रॉपर इसको अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दबा के देखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से गल गया है। इसको हम 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं, और आप चाहो तो 1 दिन के लिए रख के अगले दिन भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ इसको 1.5 दिन रखा है। 1 दिन इसको नमक मिला के रखा, उससे अगला दिन पूरा, और नेक्स्ट डे मैंने इसको अचार को बनाया है। तो इसको स्ट्रेनर में इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको निकाल देंगे, और इसको एक साफ़ सुथरे कपड़े पे, किचन टॉवल पे हम इस तरह से फैला लेंगे और हल्का सा इसका मॉइस्चर सूखने तक इसको सुखा लेंगे। पंखे के नीचे रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छे से मॉइस्चर सूख जाएगा। ये देखिए, इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से सूख गया है। बहुत अच्छे से हमारा अचार सूख के तैयार है ये। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इसमें से पानी निकला था ना, ये थोड़ा सा जो नमक वाला पानी निकला था इसमें से, वही हम इसमें अचार में यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम हींग, क्योंकि अब ये हम हींग का अचार बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 छोटा चम्मच हींग लिया है। हींग और नमक हमारे अचार को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने यहाँ 1.5 छोटा चम्मच। 1.5 चम्मच मैंने ये खाने वाली स्पून होती है ना जो हमारी, वही वाली ली है। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा तीखापन के लिए। ये अचार अच्छा खट्टा और तीखा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने मिर्ची ले ली है और हींग ले लिया है। और अब इसमें हम ये सारा अपना अचार मिक्स कर लेंगे, कैरी अचार मिक्स कर लेंगे इसमें मसाले में। तो देखा आपने, सिर्फ हींग, नमक और लाल मिर्च से ही हमारा ये हींग वाला खट्टा तीखा चटपटा अचार बन के तैयार हो गया है। और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप खाने में थोड़ा सा खाएंगे ना तो गैस नहीं बनेगी पेट में, और पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, स्टेरलाइज़ करके मैंने ये कांच की बोतल ले ली है, अच्छे से वॉश करके गर्म पानी से और अच्छे से सुखा के ले लिया। इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सारा अचार अब हम अपनी बोतल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से प्रेस कर करके इसमें इसको हमें फिल करना है। तो देखा आपने, इस अचार में हमने कोई तेल यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पका के सरसों का तेल ठंडा करके मिक्स कर सकते हो, बट इस अचार में ऐसे तेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
तो इस अचार को बिना तेल के भी बनाया जाता है और सालों साल इसको हम रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान है हींग का खट्टा मीठा अचार बनाना, खट्टा और तीखा अचार बनाना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।